दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं। सिर्फ 4 महीने, अरविंद केजरीवाल के 4 बड़े वादे। आतिशी को पूरा करना होगा काम। 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंप दिया। आम आदमी पार्टी विधायक दल की नई नेता चुनी गई। आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। आतिशी के शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन बात नई सरकार की चुनौतियों को लेकर तेज हो गई। अब आतिशी के हाथों राजधानी दिल्ली की कमान होगी, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां, उनकी चुनौतियां अधिक हो जाती है। एलजी ऑफिस से संबंध सुधारने से लेकर केजरीवाल के वादों को पूरा करने तक मुख्यमंत्री बनने जा रही आतिशी के सामने चुनौतियों की लंबी लिस्ट होगी। आतिशी को सिर्फ 4 महीने में ही सभी चुनौतियों से पार पाना है। आइए नजर डालते हैं केजरीवाल के उन बड़े वादों पर जिन्हें आतिशी को सिर्फ 4 महीनों में पूरा करना है। इसमें सबसे पहला वादा है हर महीने 1,000 रुपए। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुए बजट में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाने थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। आतिशी की अगुवाई वाली नई सरकार के सामने विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इस योजना को अमल में लाने की चुनौती होगी। दूसरी बड़ी चुनौती है कूड़े के पहाड़। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार सियासत का कूड़े के पहाड़ वाला एक प्रमुख मुद्दा झेलती आई है। पिछले एमसीडी चुनाव में दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाने का वादा आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों में सबसे ऊपर था। विधानसभा से लोकसभा चुनाव तक आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ हटाने के वादे करती रही, ये वादा भी अधूरा है। नई सरकार के सामने कूड़े के पहाड़ हटाने का अधूरा वादा पूरा करने की चुनौती होगी। आम आदमी पार्टी ने 2015 के चुनाव में ही वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, तो ये एक और एक महत्वपूर्ण वादा है जो आतिशी को चुनाव से पहले पूरा करना होगा। दिल्ली बीजेपी ने 1 सितंबर से झुग्गी बस्ती जन आक्रोश अभियान शुरू किया है। डीडीए की ओर से जहां झुग्गी वहां मकान वाली योजना के तहत फ्लैट बनाने की कुछ परियोजनाएं शुरू की गई, लेकिन अब बीजेपी के आक्रामक रुख को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि ये आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। ऐसे में आतिशी सरकार के पास ये वादा पूरा करने की एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चौथा वादा जो कि महत्वपूर्ण वादा है, गड्ढा मुक्त दिल्ली। दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का वादा भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने किया था, और अब आतिशी के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री बनने जा रही आतिशी ने खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए अभी पिछले ही साल अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश दिए थे। अब आतिशी खुद सीएम बनने जा रही हैं, ऐसे में उनके सामने दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने की चुनौती होगी, और इसके लिए समय सिर्फ 4 महीने है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल के चारों वादों को क्या आतिशी पूरा कर पाती हैं, या दिल्ली की जनता इस बार के चुनाव में अपना मूड बदलती नजर आएगी।